And here we go. This is your Sharma mentor for CA Foundation accounts. Okay, sir. Raja, all well and set to another chapter. And बहुत अच्छा chapter है. ये chapter आपको एक fun to do chapter रहेगा. ये chapter आपको समझाएगा कि आखिर चीजों की value कम क्यों होती है. Good morning, everyone. बेटा जिसकी फर्स्ट क्लास है अगर आपने आप साइंस और आर्ट्स के बच्चे हो तो पहले आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहिए अगर आप कॉमर्स ऑलरेडी कर चुके हो तो यस yes, आपने अकाउंटिंग अजम्पशन एंड प्रिंसिपल देख के आज का सेशन देखना चाहिए और कल आपने लाइव ज्वाइन करना चाहिए अकाउंटिंग अजम्पशन एंड प्रिंसिपल चैप्टर के लेक्चर देख के आज का लेक्चर देख के फिर कल आपने ज्वाइन करना चाहिए भाई मैं चाय नहीं पीता मैं कॉफी पीता हूं ऑल गुड मेरे बात बताओ मेरे बात बताओ तुमको अंदर से फील फैक्टर चाहिए या नहीं चाहिए सीए का दो बात पूछो भाई तुमको चाहिए ना फील फैक्टर तुमको चाहिए नहीं चाहिए चाहिए ना तो आज जाना पहले बात तो अपने नाम चेंज कर लो इट शुड बी फ्यूचर इट शुड बी फ्यूचर सीए आपका नाम फ्यूचर सी ए आपका नाम मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं और आपका जो रूम है उसके स्टडी टेबल पे या किसी पे लिख दो कि आप कौन से अटेम्प्ट लाइक like, आप लिखोगे दिसंबर 2023 में सीए फाउंडेशन क्लियर फिर नवंबर 2024 में सीए इंटर क्लियर फिर आप तक तो 2026 हो जाएगा फिर नवंबर 2026 में सीए फाइनल क्लियर ये लिख दो वहां पे जब डेडलाइन दोगे ना अपने आप को तब काम होता है और अच्छा काम होता है ऑनेस्टली बता रहा हूं क्लियर है आ वी वेरी क्लियर गवर्न गाइस यस और नो एनर्जी के साथ हाउस जोश जल्दी बताओ अच्छे से फुल ऑन एनर्जी के साथ चल रहे अपने को आगे चलो लेट्स मूव फर्दर टू टुडे सेशन एंड टुडे चैप्टर डेप्रिसिएशन आज आपको क्या करना है बेस बिल्डिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आज आपको पता है हम इकोनॉमिक्स को बीच में लेकर आ जाएंगे हम लव सर को लेके आएंगे बीच में अरे आज गुरप्रीत सर को लेके आएंगे बीच में आज मजा आएगा बहुत गुरप्रीत सर को हम बीच में लेके आएंगे तुमको पता है क्या हुआ मैं ना रिसेंटली रिसेंटली गुरप्रीत सर से मिलने गया था मेरे को कुछ काम था उनसे क्या है अब गुरप्रीत सर बड़े आदमी है तो मेरे को उनसे काम था तो मैं गुरप्रीत सर से मिलने गया तो मैं जैसे ही गुरप्रीत सर के घर पहुंचा गुरप्रीत सर पुणे में रहते हैं हाल फिलहाल तो मैं जैसे ही उनके घर पहुंचा गुरप्रीत सर अपने घर से बाहर निकल रहे थे बोला सर क्या हो गया बोले सर दो मिनट चलो यार काम है आप भी चलो गुरप्रीत सर जा रहे थे अपने वाइफ के साथ और मेरे को बोले सर चलो 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 आप भी चलो आप भी चलो मैं सर कहां जाना है अरे आप चलो तो सही चलो तो सही ठीक है लेके गए कहा लेके गए मर्सिडीज बेंज के शोरूम में क्लियर कहा लेके गए मर्सिडीज बेंज के शोरूम में और वहां पे भूठानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालक यानी बोल सकते हो रिलेटिव राहुल बूठानी सर भी वहीं पे थे और लव सर तो बोले मैं नहीं आता मैं ऑलरेडी बहुत मेरे पास ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू सब है सर मैं नहीं आ रहा हूं ठीक है चिल मारो बोले मैं घर पे प्यार मोहब्बत से लेटा पड़ा हूं सोऊंगा आराम से आप दोनों जा रहे हो और मैं वहां लकीली पहुंच गया ठीक है ओ भाई साहब कौन सी थी ये मॉसिडिस बेंच की एस क्लास लेने गए थे कौन सी एस क्लास अब इधर गुरप्रीत सर इधर गुरप्रीत सर इधर राहुल सर और यहां पे गरीब सर ऋषभ सर पता तुमको क्या हुआ मेरे साथ उस दिन मेरे को पता चला इनकी सैलरी कितनी है उस दिन मेरे को पता चला इतना दुख हुआ मेरे को तुमको क्या बताऊ बहुत दुख हुआ मैंने तभी बोला कि मैं बात करूंगा मेरी इतनी सैलरी कम क्यों है तो उस दिन गुरप्रीत सर ने वाइट कलर की मॉक एस क्लास क्लास डिलीवरी ले ली अरे बुक करने नहीं गए थे डिलीवरी लेने लेने गए थे और राहुल सर देख रहे थे बोले अब गुरप्रीत सर डिलीवरी ले रहे हैं क्लास की मैं देख लेता हूं क्लास क्लास है या नहीं एस क्लास की क्लास है या नहीं तो अब राहुल सर बोले यार नहीं हमको मर्सिडीज नहीं चाहिए अब गुरप्रीत सर ने मर्सिडीज ले लिए मैं भी मर्सिडीज लूंगा कॉपी कॉपी लगेगा सर गए जैगवार में मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं आती जैगवार की राहुल सर गए अब बाजू में जैगवार का शोरूम था तो राहुल सर गए जैगवार में और उनको बोला मेरे को जैगवार की पोर्टफोलियो एडिशन चाहिए कौन सी चाहिए पोर्टफोलियो एडिशन अच्छा और राहुल सर ने तुरंत बैंक ट्रांसफर किया ये पैसे लो और मेरे को पोर्टफोलियो एडिशन दे दो और मैं गरीब आदमी ऐसा कोंटे में रो रहा था देखो और कोंटे में जा रहा हूं मैं रो रहा था वहां पे आ, आ, मेरी सैलरी मेरी सैलरी ठीक है तुम इमेजिन कर सकते हो मेरे को उस दिन फील कराया गया मैं कितना गरीब है दोनों फैकल्टीज ने मेरे को फील करवाया मैं कितना गरीब है और गरीबी की रेखा पार हो गई गरीबी की रेखा में, में और अंदर चला गया चार दिन बाद चार दिन बाद क्या हुआ अब राहुल सर जैगवार ड्राइव करके नोएडा आ गए राहुल सर मस्त खुश थे जैगवार लेके कहीं पे उन्होंने पोस्ट पोस्ट डाला नहीं बट मैं चार दिन तक पुणे में रुका था क्या हुआ गुरप्रीत सर ने तीन दिन कार चलाया गुरप्रीत सर ने तीन दिन कार चलाया चौथे दिन मेरे को बोल रहे ऋषभ सर मजा नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा सर मैं सर क्या हो गया आपको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा एस क्लास लिए बोले सर इसी एस क्लास में मजा नहीं आ रहा मेरे को राहुल सर की जैगवर पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को इस एस क्लास में मजा नहीं आ रहा मैं सर तो क्या हो गया आप तो खरीद लिए तो बोले सर एक काम करते हैं उन्होंने एक सेकेंड हैंड वाले को फोन किया और सत्तर लाख में कार बेच दी सत्तर लाख में कार बेच दी भाई साहब एक करोड़ की कार खरीदी थी ये मैं कम रेट बता रहा हूं मैं आपके लिए राउंड ऑफ ले रहा हूं एक करोड़ की कार खरीदी थी तीन दिन बाद सत्तर लाख में बेच दी भाई साहब ये होती है रहीसी जिंदगी की और वहां से राहुल सर को बताए राहुल सर बोलते क्या गुरप्रीत सर मेरे को फोन करना था मैं खरीद लिया रहता आपसे मेरे को फोन करना था मैं आपसे क्लास खरीद लिया रहता क्या आप भी डीलर को देके आ गए और मैं वापस से ऋषभ सर क्राइंग इन कॉर्नर आफ्टर हियरिंग ऑल दशन एंड आफ्टर हियरिंग ये सब बातें सुन के ऋषभ सर के कोंटे में रो रहे हैं कि राहुल सर बोल दिए कि तीन दिन बाद आप मेरे को बता दे रहे थे मैं खरीद लिया रहता तुम समझ रहे हो तुम देखो जिंदगी में मैं कितना रोया हूं अंदर से ये तो मैं तुमको अपना वो ऐसे बोलते ना ऐसे छाती फाड़ के दिखा नहीं सकता हूं नहीं तो अभी मेरा जो हार्ट है वहां से पानी लीक हो रहा है मजाक नहीं कर रहा हूं अब मेरा जो हार्ट है वहां से पानी लीक हो रहा है माई हार्ट इज क्राइंग ओके अब आगे बढ़ते हैं टू दी लेट्स कम टू दी दंसेप्ट ओके लेट्स कम टू दी नाउ अब ये कंसेप्ट क्या है एवरी वन जस्ट कॉन्सेंट्रेट पहली बात हमने पढ़ा हुआ है रिसोर्सेस आर स्केस रिसोर्सेस आर स्केस एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ये हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज आर स्केस र अनलिमिटेड इन जस्ट कॉन्सेंट्रेट बैक यूर गाइस इधर ध्यान देंगे आप अब मैं बात बताओ जब मैं रिसोर्सेज ऑफ की बात करता हूं बहुत सारी रिसोर्सेज इकोनॉमी में स्केर्स में रहती है लेकिन जो सबसे ज्यादा स्केयर रिसोर्सेज है पे वो है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज यस अब मैं नेचुरल रिसोर्सेस की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं एक एसेट की बात कर रहा हूं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट की बात कर रहा हूं जो कि है लैंड जो कि है लैंड मेरे बात बताओ लैंड एक इकलौता एसेट है जिसका वैल्यू कम नहीं होता लैंड एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू कभी कम नहीं होता अब ऑब्जर्व करना आपके पापा या आप जहां रह रहे होंगे आप शायद अपने घर में रह रहे होंगे या आप कोई रेंटेड ट्रिमेसेज में रह रहे होंगे आपको पता लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं लैंड का हर साल वैल्यू बढ़ता ही है लगभग हर साल वैल्यू बढ़ता ही है बिकॉज आप बोल सकते हो लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड को आप आप ये नहीं बोल सकते अर्थ में हम 10 मेगाहर्ट लैंड बढ़ा देंगे अरे भाई साहब हम दस हजार किलोमीटर वर्ग जमीन को बढ़ा देंगे नॉट पॉसिबल लैंड इजेर और लैंड का हर साल वैल्यू बढ़ता है तुमको एक दुख की बात बताऊं मैं जेन्यून बता रहा हूं अभी भी क्या होता है मेरे पापा एक लेन से गुजरते हैं और पापा बताते हैं ऋषभ ये देखो दिख रहा है रोड टच प्लॉट ये रोड टच प्लॉट देखो दिख रहा है मैं हाँ आप पापा दिख रहा है आज से 12 साल पहले ये प्लॉट तेईस लाख में बिक रहा था आज से 12 साल पहले ये प्लॉट तेईस लाख में बिक रहा था 13 इयर्स लेटर 13 इयर्स लेटर आज इस प्लॉट का वैल्यू हो चुका है दो करोड़ पचास लाख कितना हो चुका है टू पॉइंट फाइव करोड़ तेरह साल में इस लैंड का इस प्लॉट का वैल्यू टेन एक्स हो चुका है अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली कितना हो चुका है टेन एक्स ढाई करोड़ हो चुका है अब आपको एक मेजर कंफ्यूजन होता है जो मैं आज आपके साथ टेकअप करने वाला हूं ठीक है आज अपन मेजर कंफ्यूजन की बात करते हैं यहां पे एक लैंड है एरियन जस्ट कॉन्सेंट्रेट यहां पे एक लैंड है जो थर्टीन इयर्स बिफोर ट्वेंटी थ्री लैख का था एक लैंड है हा बैरन लैंड या बोल सकते हो खाली खाली प्लॉट खाली प्लॉट इसपे कुछ नहीं बना हुआ है और बाजू में एक और प्लॉट है जिसपे घर बना हुआ था ये घर बनाया हुआ था ये घर बनाया हुआ था ठीक है ये घर बनाया था टेन इयर्स बिफोर टेन इयर्स नहीं फिफ्टीन इयर्स बिफोर ले लेते हैं ये घर बनाया हुआ था 15 इयर्स बिफोर और यह घर बनाने के लिए आपको कॉस्ट आया था 50 लाख रुपए का आपको कॉस्ट कितना आया था 50 लाख रुपए लैंड था 23 लाख रुपए का ही और घर बनाने का खर्चा 50 लाख रुपए आया था और उसके बाजू में एक लैंड है जो कि खाली लैंड है उसका वैल्यू है 23 लाख रुपए आज से तेरह साल पहले वन सेकेंड आई एम डिस्कसिंग सॉरी गाइस फिफ्टीन इयर्स बिफोर मैं तेरह साल बोल दिया पंद्रह साल पहले की बात है दो प्लॉट थे आजू बाजू में ही, दोनों प्लॉट का वैल्यू तेईस लाख रुपए था एक प्लॉट आज भी खाली है लेकिन एक प्लॉट पे पंद्रह साल पहले घर बनाया गया था पचास लाख रुपए करंटली करंटली इस प्लॉट का वैल्यू है 2.5 पॉइंट इस प्लॉट का कितना वैल्यू है 2.5 पॉइंट और इस प्लॉट का वैल्यू है 2.60 पॉइंट इस प्लॉट का वैल्यू है ढाई करोड़ और इस प्लॉट का वैल्यू है 2.6 पॉइंट करोड़ दैट इज दो करोड़ साठ लाख अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भाई साहब इस प्लॉट का वैल्यू ज्यादा क्यों है सर इस प्लॉट का वैल्यू ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस प्लॉट पे एक घर बना हुआ है बट मेरे बात बताओ घर का वैल्यू तो बढ़ना चाहिए ना तो यहां पे वैल्यू होना चाहिए था टू करोड़ सिक्सटी लाख के बदले थ्री करोड़ सिक्सटी लाख होना चाहिए यस खाली प्लॉट ढाई करोड़ का है तो घर बनाए हुआ प्लॉट तीन करोड़ साठ लाख का होना ना यार सुनो आज सुनो बेटा जो ये प्लॉट बना हुआ था ना ये प्लॉट पे जो आपने घर बनाया था जो आपने बिल्डिंग बनाई थी बिल्डिंग की लाइफ रहती है आप देखना मुंबई में फ्लैट स्कीम गिर जाती है मुंबई में फ्लैट स्कीम गिर जाती है ऑब्जर्व करना अब ये केसेस मुंबई में ज्यादा क्यों है क्योंकि मुंबई में आज भी ऐसी बहुत सारी फ्लैट स्कीम है जो 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी है जैसे जैसे घर पुराना होता है वैसे वैसे घर कमजोर होता जाता है और अ डे कम्स कि वो घर गिरने कगार पे रहता है इसलिए आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे घर का वैल्यू बढ़ रहा है अरे नहीं मुन्ना आपका घर का वैल्यू कम हो रहा है लेकिन जिस बिल्ड जिस प्लॉट पे आपका घर बना है उसका वैल्यू बढ़ रहा है रिपीट आप जिस घर में रह रहे हो आप जिस फ्लैट स्कीम में रह रहे हो उस घर का उस फ्लैट स्कीम का वैल्यू कम होता जाता है बट वो फ्लैट स्कीम जिस प्लॉट पे बनी हुई है वो प्लॉट एक लैंड है वो लैंड का वैल्यू बढ़ता है तो आपको लगता है फ्लैट या घर का वैल्यू बढ़ रहा है नहीं वो प्लॉट वो लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है इसलिए आपके फ्लैट या घर का वैल्यू बढ़ रहा है एम आई वेरी क्लियर इन वॉट एम सिंग आई रिपीट वंस अगेन जिस घर में आप रह रहे हो वो घर एक डेप्रिशिएबल एसेट है उसका वैल्यू हर साल कम होते जाएगा बट वो घर जिस प्लॉट पे बना हुआ है वो प्लॉट का वैल्यू हर साल बढ़ेगा वो लैंड का वैल्यू हर साल बढ़ेगा ठीक है एम आई वेरी क्लियर इन एम सिंग पक्का एम वेटिंग फॉर ध्यान नो कम ऑन हर एक को जवाब देना है बेटा घर का रेनोवेशन करवा लो कुछ भी करवा लो बट घर का स्ट्रेंथ कम होता ही है आप भली रेनोवेट करवा लो उसे बिल्डिंग का वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगा जो बढ़ेगा वो बिल्डिंग जिस लैंड पे है उसका वैल्यू बढ़ेगा प्रॉपर्टी मतलब लैंड ही होता है बेटा अच्छा मेरा एक और एक और एक और बेटा ये चीजें राजा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना वो आपके बुक का पार्ट नहीं है आपके sense, ये आपके कॉमन सेंस या कॉमन लाइफ का पार्ट है ओके मैं एक और केस लेना चाहूंगा यहां पे एक प्लॉट है ये एक प्लॉट है ठीक है इस प्लॉट पे एक फ्लैट स्कीम बनी हुई है इस प्लॉट पे एक फ्लैट स्कीम बनी हुई है ठीक है और इस फ्लैट स्कीम के अंदर एक दो तीन चार पांच ये फ्लैट स्कीम है ये फ्लैट स्कीम है इसमें कितने फ्लैट है एक फ्लैट दो फ्लैट तीन फ्लैट चार फ्लैट और पांच फ्लैट टोटल कितने फ्लैट है पांच फ्लैट का ये स्कीम है एक फ्लैट दो फ्लैट तीन फ्लैट चार फ्लैट पांच फ्लैट ठीक है अब ये फ्लैट बनाया गया था दस साल पहले ये जो फ्लैट स्कीम है ये बनाई गई थी दस साल पहले दस साल पहले मैंने ये फ्लैट स्कीम में एक फ्लैट खरीदा था पहला वाला पचास लाख रुपए में ठीक है मैंने कौन सा स्कीम में इस पांच फ्लोर थे ये पांच फ्लोर थे हर फ्लोर पे एक फ्लैट था मैंने टॉप वाला फ्लोर खरीदा था पचास लाख रुपए में ठीक है आज आफ्टर टेन इयर्स, इस फ्लैट का वैल्यू हो चुका है वन करोड़ इस फ्लैट का वैल्यू हो चुका है वन करोड़ तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस फ्लैट का वैल्यू बड़ा है कि यह जो लैंड है उसका वैल्यू बड़ा है और यह जो लैंड का वैल्यू बड़ा है उसका वन फिफ्थ मेरा मेरा हक है आई रिपीट वन ये जो लैंड है ना ये लैंड यह लैंड जिस लैंड पे फ्लैट स्कीम बनी हुई है टेन इयर्स बिफोर ये लैंड था एक करोड़ का टेन इयर्स बिफोर ये लैंड था एक करोड़ का टुडे आफ्टर टेन इयर्स ये लैंड का वैल्यू हो चुका है चार करोड़ कितना वैल्यू हो चुका है चार करोड़ अब बात को समझो ये जो लैंड है इसका वैल्यू बढ़ गया है अब इस लैंड पे पांच ही फ्लैट है इस लैंड पे पांच ही फ्लैट है तो ऑटोमैटिकली ये लैंड का वैल्यू बढ़ा एक करोड़ से चार करोड़ तुम्हें तो बात बताओ इस लैंड पे पांच पांच ही फ्लैट है तो चार करोड़ डिवाइड बाय पांच दैट इज एटी लाख रुपीस इज द करंट शेयर इस लैंड पे पांच लोगों का हक है क्योंकि यहां पांच फ्लैट है तो इस लैंड पे पांच लोगों का हक है मेरे हक में कितना आ रहा है अस्सी लाख तो सर ये जो एक करोड़ है ना इसमें से अस्सी लाख आपके लैंड के लिए है और बाकी का बीस लाख बाकी का बीस लाख आपका जो फ्लैट है ना उसका वैल्यू है समझे क्या मुन्ना इज एविडेंट क्लियर जब मैंने खरीदा था तो ये पचास लाख का ब्रेकअप क्या था एक करोड़ में खरीदा था एक करोड़ का ये लैंड था डिवाइड बाय फाइव तो बीस लाख तो जब मैंने खरीदा था बीस लाख मैंने लैंड के लिए दिया था और तीस लाख मैंने मेरे फ्लैट के लिए दिया था ऑब्जर्व करो मेरे तीस लाख का फ्लैट का वैल्यू बीस लाख हो चुका है बट जो लैंड है उसका वैल्यू बीस लाख से बढ़ के कितना हो चुका है अस्सी लाख तो लैंड इज लैंड इज थिंग विच इज इंक्रीजिंग फ्लैट तो आपका डेप्रिशिएट हो रहा है परफेक्ट होप्स so आपको समझा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं लेट्स मूव फर्दर तो सौ बात की एक बात दुनिया में सिर्फ एक ही एसेट है जो डेप्रीशिएट नहीं होता है वो है लैंड उसके अलावा बिल्डिंग भी डेप्रीशिएट होती है उसके अलावा हर चीज डेप्रीशिएट होती है क्लियर चलो लेदर अब लैंड को छोड़ के हर चीज डेप्रिशिएट होती है रीजन फॉर सर अब आपने हमको समझा दिया है डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कोई भी एसेट का वैल्यू कम होना इज नोन एज उस एसेट का वैल्यू डेप्रीशिएट हो गया कोई भी एसेट का वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिशिएट होना मतलब डेप्रिसिएशन आई रिपीट कोई भी एसेट का वैल्यू कम होना दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन ओके मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूं यहां पे डेप्रिसिएशन ओके okay? अच्छा अब सर ये एसिड कौन सा कौन सा एसिड एसेट? एसेट तो सर हम आपने बहुत टाइप के सिखाए हैं एक होता है फिक्स एसेट एक होता है इन्वेस्टमेंट उसके बाद आपने हमको सिखाया है डेटर उसके बाद आपने हमको सिखाया है लोन्स एंड एडवांसेस आखिर कौन सा वाला सर एसेट आपने चार टाइप के सिखाए हैं? कौन सा एसेट का वैल्यू कम होना सुनो डेटर कैसे क्रिएट होते हैं डेटर क्रिएट होते हैं क्रेडिट सेल से जब आप किसी को उधार में माल देते हो क्रेडिट सेल क्लियर व्हाट इज लोन्स एंड एडवांसेस पैसा उधार में दिया क्लियर क्या ये कभी डेप्रीशिएट होंगे क्या नहीं सर इस पर कभी डेप्रिसिएशन आता ही नहीं आगे इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट अब सर फिक्स्ड एसेट मतलब क्या वो एसेट यूज इन द बिजनेस वो एसेट जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो मैंने परचेस किया है फ्यूचर में प्रॉफिट में सेल करूंगा यस yes? अब एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं लाइक like, आपके पापा ने गोल्ड खरीदा आपके पापा ने गोल्ड खरीदा वो गोल्ड क्यों खरीदा आपके पापा ने गोल्ड लेके रखा है जब बच्चों की शादी होगी तब यह गोल्ड काम आएगा तब ये गोल्ड काम आएगा तो पापा ने इस गोल्ड को रखा है जब बच्चों की शादी होगी तब काम आएगा या गोल्ड का रेट बढ़ गया तो मैं बेच दूंगा ये सुनो, इंडिया में तो ऐसे ही होता है भाई साहब बिल्कुल तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड अच्छा क्या गोल्ड का वैल्यू बढ़ता घटता रहता है क्या हां जी सर गोल्ड का वैल्यू बढ़ता घटता रहता है बट सुनो डेप्रिसिएशन चैप्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करता डेटर्स तो आपके लिए कभी डेप्रीशिएट होंगे नहीं लोन्स एंड एडवांसेस कभी डेप्रिशिएट होगा नहीं डेप्रीशिएशन चैप्टर स्पीक्स अबाउट ओनली एंड ओनली फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन चैप्टर किसके बारे में बात करता है फिक्स्ड एसेट अब डब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडब्ल्यू ने ऋषभ सर को ये पैनल दिया है पैनल मतलब जिस पे मैं लिख रहा हूं ठीक है ये पैनल दिया है पैनल के बाद कैमरा दिया है जिससे आपको मैं दिख रहा हूं कैमरा के बाद मेरे को माइक दिया हुआ है उसके बाद मेरे को पीसी दिया हुआ है कंप्यूटर ठीक है तो पीडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बिजनेस में यूज हो रही है और ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी तो ये सारी की सारी चीजें क्या है फिक्स्ड एसेट ये सारी की सारी चीजें क्या है फिक्स्ड एसेट किसके लिए पीडब्ल्यू के लिए अब सुनो मेरे को एक बात बताओ ये जो पैनल है क्या इसका वैल्यू कम होगा हां जी सर ये जो कैमरा है ये जो कैमरा है क्या इसका वैल्यू भी कम होगा धीरे धीरे करके हां जी ये जो माइक है क्या इसका वैल्यू भी कम होगा धीरे धीरे करके हां जी जो कंप्यूटर है क्या उसका वैल्यू भी कम होगा धीरे धीरे करके हां जी सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑल फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड ऑल फिक्स्ड एसिड विल बी डेप्रीशिएटेड एक्सेप्ट लैंड एक्सेप्ट लैंड दैट्स इट सारे के सारे फिक्स दसेट आपके डेप्रिशिएट होंगे एक्सेप्ट लैंड आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस गाइस आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस बी वेरी ऑनेस्ट येस ऑनो आई होप सो येस सर पूछते क्यों क्लियर पूछने से एक सेंस ऑफ लगता है कि हा मैंने पूछा है ओके okay? ऑल फिक्सड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट लैंड क्लियर चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम कहां पर थे सर रीजन्स फॉर डेप्रिसिएशन आखिर फिक्सड एसेट डेप्रीशिएट क्यों हो रहे हैं आखिर फिक्स एसेट का वैल्यू कम क्यों हो रहा है डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड का वैल्यू कम होना ठीक है सर इसके रीजंस क्या है चलो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कहा गया मेरा फोन गरीब सर का फोन <laughs> चलो ये मेरा फोन है ठीक है गुरप्रीत सर के पास भी गुरप्रीत सर के पास प्रो मैक्स है बट तुमको दिखाते नहीं है राहुल सर के पास भी 14 प्रो मैक्स है लेकिन दिखाते नहीं है मैं आपको सब दिखाता हूं इज्जतदारी से देखो बेटा जो है मैं आपको दिखाता हूं वो आपको दिखाते नहीं है भाई साहब कि उनके पास कौन सा फोन है कभी पूछना आप ओके चलो अब मेरे को बात बताओ जिंदगी में मेरे को सबसे ज्यादा दुख कब हुआ था पता है जिंदगी में मेरे को सबसे ज्यादा दुख कब हुआ था मैंने आईफोन 14 लिया था 14 प्लस टू बी प्रिसाइज मैंने परचेज किया था गाइस कॉन्सेंट्रेट बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं नब्बे हजार रुपए का खरीदा था और मेरे दिल में इतना दुख हुआ था जिसका कोई हद नहीं है कब खरीदा था मैंने पता है आपको मैंने खरीदा था दिसंबर 2022 में और फ्लिपकार्ट का सेल लगा था फ्लिपकार्ट का सेल लगा था जैन या फेब में फ्लिपकार्ट का सेल लगा था जनवरी या फरवरी में तब ये फोन नया नया लॉन्च फोन नब्बे हजार का कितने में बिक रहा था पता है कितने में सेवेंटी फाइव थाउजेंड में ब्रो मेरे को उस दिन इतना दुख हुआ भाई साहब एक महीना रुक जाता था फोन पंद्रह हजार रुपए सस्ता मिलता था पंद्रह हजार रुपए सस्ता मिलता था और आज आज की अगर मैं बात करूं ठीक है आज अगर मैं हम एमेजॉन पे चेक करेंगे रेट आपके सामने हम ताजा ताजा चेक करेंगे रेट आज अगर मैं बात करूं कहा गया अभी एमेजॉन चालू हो जा बेटा एमेजॉन चालू हो जा फट से चलो फ्लिपकार्ट पे चलते हैं आज फ्लिपकार्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन देख रहे हो तुम कितने का है एट्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन मतलब मोटा मोटी आज ये फोन कितने का बिक रहा है ये कितने का बिक रहा है आज आज ये बिक रहा है नब्बे हजार के जगह एटी वन थाउजेंड में कितने में बिक रहा है तो अपने जनवरी वाला हटा देते हैं तब मेरे को बहुत दुख हुआ था लेकिन आज भी समझो आज ये फोन कितने का बिक रहा है तब कुछ सेल वेल लगी थी इसलिए वैल्यू कम था तब कुछ सेल वगैरह लगी थी इसलिए उस सेल पीरियड में वैल्यू कम था आज कितने में फोन बिक रहा है एट्टी वन थाउजेंड में मैंने कितने में खरीदा था मैंने खरीदा था नब्बे में आज इस फोन का वैल्यू कितना हो चुका है मार्केट वैल्यू हां मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है एट्टी वन थाउजेंड अब मेरे को बात बताओ क्या ये फोन ऋषभ सर के लिए फिक्स एसेट है क्या हां जी सर ऋषभ सर इस फोन को यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ऋषभ सर के लिए यह फोन एक फिक्स एसेट है यह फोन क्या है फिक्स एसेट क्या फिक्स एसेट का वैल्यू कम हुआ है क्या फिक्स एसेट का वैल्यू कम हुआ है क्या फिक्स एसेट का वैल्यू कम हुआ है हां जी सर दैट मींस फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुआ है अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका रीजन क्या है बिफोर डिस्कसिंग कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लग रहा है ये नब्बे हजार का आईफोन आज एटी वन थाउजेंड में क्यों मिल रहा है आई वॉन्ट टू हिस्टर फ्रॉम साइंस एंड आर्ट स्टूडेंट स्पेसिफिकली ओके आई एम गेटिंग गुड आंसर्स कमन गाइस आपको एक्टिवली आंसर करना है ओके आई एम गेटिंग आंसर्स ठीक है चलो सर एक फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होता है रीजन reason, क्या रीजन रहते हैं पहला रीजन वेयर एंड टेर वेयर एंड टेर का सिंपल मतलब आप समझ लो सेकेंड हैंड वेयर एंड टेयर का सिंपल मतलब होता है सेकेंड हैंड को बात बताओ मेरे को सिंपल सुपर बात बताओ गुरप्रीत सर को याद करो गुरप्रीत सर ने एस क्लास खरीदी एक करोड़ में आफ्टर थ्री डेज आफ्टर थ्री डेज वो एस क्लास का वैल्यू कितना हो गया सत्तर लाख रुपए तो गुरप्रीत सर का एसेट जो कि वो यूज कर रहे थे बिजनेस में कहीं ना कहीं वो तीस लाख से कम हो गया बिग वो सेकेंड हैंड हो चुका अब यहां मुद्दा ये नहीं है कि तीन दिन यूज हुआ भाई साहब देखो मुद्दा ये है तीन दिन तो यूज हुआ ना तीन दिन किसी और ने यूज किया क्या वो अब फ्रेश फ्रेश न्यू न्यू मर्सिडीज है क्या नहीं वो अब पुरानी हो चुकी है भली तीन दिन पुरानी है बट वो पुरानी है सबको सॉलिड है सेकेंड हैंड का कोई लेना देना नहीं है कितने दिन पुराने से सेकेंड हैंड का मतलब क्या इससे पहले इसका कोई और मालक था क्या हां जी तो बात खत्म भली वो मालक एक दिन के लिए हो भली वो मालक दो दिन के लिए हो भली वो मालक एक साल के लिए हो भली वो मालक दो साल के लिए हो भले ही दस साल के लिए हो इट ड मैटर वॉट मैटर्स इज कि क्या इसके पहले इस एसेट का कोई और मालक था क्या That's it. Okay? अगर उसका आंसर हा है तो वह सेकेंड हैंड हो चुकी है और सेकेंड हैंड है मतलब उसका वैल्यू कम हो चुका है परफेक्ट विद एक दिन आएगा मैं मोर्डिस का एस क्लास ए एमजी एडिशन लूंगा कौन सा लूंगा ए एम जी एडिशन लूंगा मेरी सैलरी भी उतनी हो जाएगी कि मैं ए एम जी एडिशन लूंगा और एम जी एडिशन पांच करोड़ का है अपना टाइम आएगा और जरूर आएगा ओके चलो बिना देखो आपको यह समझना पड़ेगा इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन फॉर यू गाइस कि आपका भी एक दिन जरूर आएगा कि आप एक लग्जरियस लाइफ में आओगे बट अगर आपको जिंदगी में लग्जरी चाहिए तो आज घसवानी पड़ेगी और घसवाना मतलब बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस होता है इन योर लाइफ ठीक है सैक्रीफाइस मीन सेक्रीफाइस ठीक है वो सैक्रीफाइस कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आपको शादी छोड़नी पड़ेगी बहुतों की पार्टी छोड़नी पड़ेंगी बर्थडे छोड़ने पड़ेंगे एनिवर्सरी छोड़ने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज आपने टाइम टेबल बढ़ाया उस टाइम टेबल के हिसाब से आज आपको यह कंप्लीट करना है बाय हुक और बाय क्रूक आजो कंप्लीट होगा तो ठीक है नहीं होगा तो मैं पढ़ता रहूंगा और कंप्लीट करके ही सोऊंगा क्लियर परफेक्ट बेटा सीए बनने के बाद आपके ऊपर है स्काई इज द लिमिट फॉर यू मैं आपको आज बता रहा हूं स्काई इज द लिमिट फॉर यू कि आप कितना खींच सकते हो देखो ये आपके ऊपर है मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं लॉयर्स हो कि सीए हो कि डॉक्टर्स हो एवरी प्रोफेशन इज देयर डॉक्टर लॉयर सी सारे के सारे प्रोफेशन है आपको बहुत सारे सीए ऐसे मिलेंगे जो साल का दस लाख ,00 रुपए कमा रहे पंद्रह लाख ,00 रुपए कमा रहे और आज उनकी उम्र हो चुकी है लेट्स टेक पैंतीस चालीस साल और आज ऐसे भी सीए है जो साल का दस करोड़ बीस करोड़ चालीस करोड़ कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने स्किल्स पे वर्क किया है सी एज ऑल अबाउट स्किल्स आप अपने स्किल्स को कितना शार्पन करते हो देखो चाकू तभी काम की है जब वो तेज हो क्लियर अगर तेज चाकू का वैल्यू सौ रुपये है और अगर चाकू तेज नहीं है उसका वैल्यू पांच रुपए है क्लियर तो आपकी स्किल्स क्या है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा क्या आज तक आपने कभी ये सोचा कि फ्लैट का वैल्यू बढ़ता है कि फ्लैट के लैंड का वैल्यू बढ़ता है नहीं यही कंसेप्ट हमें बिल्ड करने हैं और यही कंसेप्ट आपके स्किल शार्पन करेंगे आर यू क्लियर पवे विद एवरीवन क्लियर चलो भाई मैंने 23 थ्री ईयर्स में क्लियर किया था एंड ट्वेंटी सेवन आई एम नाउ तो मैंने चार साल में अपनी लाइफ में शिफ्ट देखे मैं फर्स्ट गेयर से फिफ्थ गेयर पे गया हूं ये चार सालों में टच द ग्रेस ऑफ गॉड बट आपको अपने स्किल्स एनहांस करने पड़ेंगे क्लियर चलो पहला वेरेंटेर वेरेंटेर मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है क्या इससे पहले क्या इस एसेट का कोई और मालक था हाँ तो इसका वैल्यू कम हो गया ऑटोमेटिकली दूसरा अब मेरी इंग्लिश में मत जाना ये शायद मैं स्पेलिंग हमेशा गलत लिखता हूं ठीक है इसकी स्पेलिंग एक बार आप बुक में देख लेना ये हमेशा मैं गलत लिखता हूं ऑप्शोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑप्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑप्शनेंस का मतलब क्या होता है आउटडेटेड ऑप्शनेंस का मतलब क्या होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ओके लेट्स टेक एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल हम बात करते हैं आज आईफोन फोर्टीन प्लस जस्ट अभी हमने रेट देखा कितने में बिक रहा है एटी वन थाउजेंड का अब जैसे ही आईफोन फिफ्टीन आएगा जैसे ही आईफोन फिफ्टीन आएगा आईफोन फोर्टीन का वैल्यू एटी वन थाउजेंड से कम होकर कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड आखिर एटी वन थाउजेंड से वैल्यू 75,000 फाइव थाउजेंड क्यों हुआ बिकॉज अभी तक आईफोन 14 लेटेस्ट है क्लियर बट जैसे ही आईफोन 15 आएगा तो आईफोन 14 की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है आईफोन 14 की टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है आउटडेटेड परफेक्ट तो आउटडेटेड वजह आउटडेटेड होने की वजह से एटी वन थाउजेंड से वैल्यू गिर के कितना हो गया 75,000 फाइव थाउजेंड कितना हो गया 75,000. फाइव थाउजेंड क्लियर अच्छा जब iPhone 16 सिक्सटीन आएगा तो iPhone 14 फोर्टीन का वैल्यू कम हो जाएगा बिकॉज iPhone 14 फोर्टीन आउटडेट सॉरी जब iPhone 16 सिक्सटीन आएगा तो आईफोन फिफ्टीन का वैल्यू कम हो जाएगा बिकॉज iPhone 15 फिफ्टीन आउटडेटेड हो गया और आईफोन फोर्टीन का भी वैल्यू कम हो जाएगा बिकॉज वो और आउटडेटेड हो गया क्लियर तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाती है एनहांस होते जाती है पुरानी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स का वैल्यू कम होता जाता है ओके परफेक्ट चलो अब तीसरा पैसेज ऑफ टाइम तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उस एसेट का वैल्यू कम होगा एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए यह सबको समझा होगा ऑप्सो मैं इसे हटा रहा हूं अब मेरे को एक लॉजिक आंसर दो लॉजिकल आंसर दो मैंने आईफोन फोर्टीन प्लस खरीदा था कितने में खरीदा था नब्बे हजार रुपए का क्या अभी तक आईफोन 15 आया है क्या क्या अभी तक आईफोन 15 आया है क्या नहीं सर अभी तक आईफोन 15 नहीं आया है ओके क्लियर न्यू पीस मैंने नब्बे हजार में खरीदा था क्लियर और मैं ये पीस को बेच नहीं रहा हूं क्लियर मैं ये पीस को बेच नहीं रहा हूं तो बात सेकेंड हैंड की तो होंगी नहीं बात सेकेंड हैंड की तो हो नहीं रही है क्योंकि मैं इसको बेच नहीं रहा हूं अभी मैंने इसको अभी तक बेचा नहीं है मैं अभी तक यूज कर रहा हूं क्या मेरे आईफोन के जो मैं यूज कर रहा हूं इससे पहले कोई और ओनर था क्या नहीं इससे पहले कोई और ओनर था नहीं मैं ही पहला ओनर हूं तो अभी तक ये मेरे लिए नया नया है फर्स्ट हैंड है जब मैं इसको बेचूंगा तो जो आदमी खरीदेगा उसके लिए वो सेकेंड हैंड है ओके क्लियर तो ना ही आईफोन 15 आया है और ना ही मैं ये फोन बेचने निकला हूं तब भी आज आईफोन 14 प्लस 81,000 का बिक रहा है ऐसा क्यों मैंने न्यू पीस नब्बे में खरीदा था आज न्यू पीस 81,000 का बिक रहा है क्यों सर बिकॉज आईफोन 14 लॉन्च होके लॉन्च होके लॉन्च होके कुछ महीने कुछ नहीं काफी महीने हो चुके हैं क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है इज जस्ट बिकॉज समय बीत चुका है इसीलिए आपने नब्बे में खरीदा था सर लेकिन कुछ महीने बीत चुके हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू कम हो चुका है पैसेज ऑफ टाइम समय बीत चुका है और यह पैसेज को टेक्निकली बोला जाता है एफ्लक्स ऑफ टाइम क्या बोला जाता है टेक्निकली क्या बोला जाता है एफ्लक्स ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एसेट का वैल्यू कम होता जाएगा आर वी वेरी क्लियर टिल फॉर श्योर ओके सबको यहां तक क्लियर होगा वॉट वी आर अप टू। मुन्ना याद क्लियर है सबको गाइस यू हैव टू बी रिस्पॉन्स सेफ चैट करते वक्त बात करते हो ना आपस में मैं पूरी चैट्स पढ़ता हूं याद रखना एक सेकेंड गाइस अब देयर कैन बी अ डाउट कि सर फर्स्ट और थर्ड में फर्क क्या है फर्स्ट एंड थर्ड में फर्क क्या है इधर ध्यान दो ये आपका एफ्लक्स ऑफ टाइम है ये क्या है आपका एफ्लक्स ऑफ टाइम मैं अब सेकेंड हैंड की बात करता हूं सेकेंड हैंड मतलब वेयर एंड टेन ओके मैंने आईफोन 14 प्लस खरीदा नब्बे हजार रुपए का ठीक है और आफ्टर थ्री मंथ्स मैं इसे बेचने गया मैं इसने बेचने गया और मैं कैसे बेच रहा हूं ओएलएक्स के थ्रू मैं इसको ओएल पे बेचने गया तो जो बायर था वो मेरे को बोल रहा भैया मैं सेवेंटी फाइव थाउजेंड में खरीदूंगा मैं क्या करूंगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड में खरीदूंगा मैंने बोला क्यों ना छेड़ी सेवेंटी फाइव थाउजेंड में क्यों खरीदेगा वो मेरे को बोल रहा भैया सुनो पहली बात आपने जब आईफोन खरीदा था उस आईफोन को आपने तीन महीना पहले खरीदा था तो तीन महीना बूझ चुका है एफ्लक्स ऑफ टाइम अब सर आप बात को समझो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये जो मैं आईफोन खरीदने वाला हूं वो बायर की बात कर रहा हूं क्या इससे पहले इसका कोई और ओनर था क्या हां इसके पहले ओनर थे ऋषभ सर तो भाई साहब मैं जो बायर हूं मैं एक सेकेंड हैंड चीज खरीद रहा हूं मैं एक सेकेंड हैंड चीज खरीद रहा हूं तो ऑटोमेटिकली सेकेंड हैंड चीज खरीद रहा हूं इसलिए उसका वैल्यू सेवेंटी फाइव थाउजेंड है ओके okay? क्लियर तो बायर प्रस्पेक्टिव में वो सेकेंड हैंड है होप सो so, आपको फर्स्ट और थर्ड में फर्क समझाओगा होगा यहां पे मैं बेच नहीं रहा हूं तो बायर की बात होगी नहीं ना यहां पे नया फोन आया है यहां सिर्फ समय बीता है समय बीतने के चक्कर में वैल्यू कम हो चुका है बट यहां पे मैं बेचने गया और जब मैं बेचने गया तो जो बायर है वो मेरे को बता रहा सर इससे पहले आप ओनर थे ना तो मैं दूसरा ओनर हूं तो ये सेकेंड हैंड है और सर आपने यूज किया होगा तो फोन पे स्क्रैच वगैरह आए होंगे तो स्क्रैच वगैरह आए होंगे तो सर सेकेंड हैंड हो चुका है ओके क्लियर सबको यहां तक चलो अब सर इस चैप्टर में दो बातें हैं पहला आखिर डेप्रिसिएशन लगाया जो क्यों जाता है वाई डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड पहली बात उसकी अकाउंटिंग हो क्यों रही है वाई डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड पहला रीजन और दूसरा हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस चैप्टर में हमको दो चीजें कवर करनी है क्लियर इस चैप्टर के हमको दो चीजें कवर करनी है क्लियर बनना? चलो लेट्स मूव फर्दर अरे एक सेकेंड ना, अब किसी को सेकेंड और थर्ड में डाउट है क्या किसी को सेकेंड और थर्ड में डाउट है क्या क्योंकि आना भी चाहिए अब बेटा ऑब्सोलेंस का मतलब आईफोन 14 था पहले अब आईफोन 15 आ चुका है पहले आईफोन 14 था अब आईफोन 15 आ चुका है तो आईफोन 14 आउटडेटेड हो चुका है क्लियर और आईफोन 15 12 महीने बाद आया है तो टाइम का भी इंपैक्ट है एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंड आईफोन 14 और आईफोन फिफ्टीन पहला आईफोन 14 था अब 15 आ चुका तो 14 की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है अच्छा आईफोन 15 कब आया 12 महीने बाद तो एफ्लक्स ऑफ टाइम भी है मतलब समय भी बीता तो समय की भी मार पड़ रही है और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की भी मार पड़ रही है दोनों चीजों की मार पड़ रही है एक साथ सबको सॉरीड यहां तक क्लियर बेटा ये सब मिक्स करके बातें होती है बट ये तीनों अलग अलग चीजें हैं ओके okay? चलो लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिव सर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या एक बार पढ़ो पहले आप मैं स्क्रीन से हट रहा हूं एक बार आप पहले पढ़ो दो मिनट और कुछ सोचने की कोशिश करो पहले आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है गाइस प्लीज रीड ये टू असरटेन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है पहले एक बार आप खुद से पढ़ोगे क्या हो गया बेटा थर्ड 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 बेटा प्लीज आप एक बार रिपीट करके पीछे देख लेना अब मैं आगे बढ़ चुका हूं एक बार आप रिपीट वापस देख लेना मैंने समझा दिया बेटा हर चीज ग्रेड जिसको पूरा ऑब्जेक्टिव समझ गए गाइस वन मोर मिनट और जो साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे एक बार पढ़ के इंग्लिश के बेसिस पे समझने की डन अरे जिसको नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है बाबू चलो अरे कोई बात नहीं बेटा आपने पैसा मेरे को क्यों दिया स्टार्ट करते हैं सर टू असरटेन द ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू अब पहले बात समझो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि आखिर आपने करंट ईयर में कितना कमाया और कितना गवाया वॉट मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आखिर आपने करंट ईयर में कितना कमाया और कितना गवाया ठीक है भाई साहब ओके रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब वो सर्जरी वाला डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं होता है ऑपरेशन मतलब बिजनेस चला के बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी अब मैं यहां से कुछ चीजें यहां पे ट्रांसफर करूंगा ठीक है बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी करके आपने कितना प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कमाया मतलब लॉस कमाया नहीं जाता है एंड फिर आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होके क्या आ जाएगा बैलेंस शीट आई रिपीट वंस अगेन ये लिंक करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और ये लिंक करता है बैलेंस शीट से ओके okay? बाकी जो दो बातें है वो बात में देखेंगे अपन पहले अपन ये दो समझेंगे ठीक है कभी भी अगर एवरी वन जस्ट कॉन्सेंट्रेट बैक योर गाइस एवरी वन जस्ट कॉन्सेंट्रेट बैक योर एवरी वन आई एक्सपेक्ट योर हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपने लाइफ में यहां पे एक छेड़छाड़ नहीं करना इट्स अ जेन्यून रिक्वेस्ट ओके okay, सब यहां पर ध्यान देंगे एक बिजनेस आदमी मेरे को बात बताओ आप जब भी बिजनेस करोगे आप बिजनेस करते वक्त आपका इंटेंशन क्या रहेगा सर हम जब भी बिजनेस करेंगे हमारा इंटेंशन है हमारा इंटेंशन है टू ऑन प्रॉफिट कोई धंधा नुकसान के लिए करता है क्या कोई धंधा नुकसान के लिए करता है क्या नहीं द अल्टीमेट इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट और अगर आपने आज पहली बार लेक्चर देख रहे हो और आपने पुराने सेशन नहीं देखे हैं, आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती की है हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था उस प्रिंसिपल का नाम था पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल क्लियर पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है हालांकि बिजनेस की लाइफ बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है एज पर गोइंग कंसर्न बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है हम मान रहे हैं बट बट आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस जज करने के लिए आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस जज करने के लिए उस लाइफ को छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आप निकाल सको बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा अच्छा बिजनेस का परफॉर्मेंस किससे जज किया जाएगा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा या बिजनेस कितना लॉस कर रहा डेट्स इट आखिर आपका परफॉर्मेंस कैसे जज किया जाएगा आपका फाउंडेशन निकला नहीं निकला आपको कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स नहीं आए ओके okay? वैसे ही बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे जज किया जाता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस तो बेटा आप समझो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है एसेट का वो भी कौन से एसेट का फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होना मेरे बात बताओ फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होगा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होगा तो मेरे को एक चीज समझाओ क्या वो आपके लिए नुकसान है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होगा क्या वो आपके लिए नुकसान है हां जी सर वो हमारे लिए नुकसान है और अगर वह आपके लिए क्या है नुकसान नुकसान एक तरह का लॉस होता है एक तरह का खर्चा होता है या आप खर्चे को हटा दो नुकसान एक तरह का लॉस होता है और अगर आप उस लॉस की अकाउंटिंग नहीं करोगे अगर आप उस लॉस की अकाउंटिंग नहीं करोगे तो क्या आपका प्रॉफिट या लॉस करेक्ट दिखेगा क्या क्या वो करेक्ट दिखेगा क्या नहीं सर वो करेक्ट कभी नहीं दिखेगा आई रिपीट वंस अगेन डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट का वैल्यू कम होना वैल्यू कम होना मतलब नुकसान है अगर आप उस नुकसान की अकाउंटिंग नहीं करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं आपका प्रॉफिट या आपका लॉस करेक्ट नहीं है यस दैट इज द प्राइमरी रीजन कि मेरे को करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस चाहिए आखिर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया करेक्ट वाला आखिर मुझे कितना नुकसान हुआ करेक्ट वाला ओके क्लियर एवरीवन, परफेक्ट विद दिस एवरीवन, लेट्स मूव फर्दर सर ये तो ठीक है आपने ये परस्पेक्टिव समझा दिया टू असरटेन द टू रिजल्ट टू रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस सर इसका मतलब क्या हुआ टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन अब एज पर पीरियोडिसिटी आप बिजनेस का परफॉर्मेंस जज करते हो बिजनेस का परफॉर्मेंस जज करते हो और बिजनेस का परफॉर्मेंस किससे लिंक्ड है प्रॉफिट से या लॉस से अच्छा मैंने आपको यह बताया था बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्या है बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एवरीवन जस्ट रिमेंबर मैं जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाया था एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट तो जब मैंने आपसे बात किया था बैलेंस शीट के बारे में तो मैंने क्या था वो एक स्टेटमेंट है जो क्या बताता है आपकी नेटवर्थ आपकी ऑक्स और आपकी औकात यसनो yes और सर बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं एक होता है लाइबिलिटी और एक होता है एसेट और हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था वो प्रिंसिपल का नाम था ड्यूल एस्पेक्ट हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था उसका नाम क्या था ड्यूल एस्पेक्ट ड्यूल एस्पेक्ट क्या बोलता है एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट और ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के वजह से एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया गया था जैसे एल एच एस इज इक्वल टू आरएचएस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वैसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया गया था एसेट क्वल टू लाइबिलिटी एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल सर यह लाइबिलिटी कौन सी है यह कैपिटल छोड़ के भारतीय लाइबिलिटी कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी तो सर देखिए यहां पर आपका कैपिटल है और यहां पे आपकी अदर देन कैपिटल आपकी लाइबिलिटीज है और आपके एसेट है अब मैं एक बेसिक से एग्जांपल लेता हूं अब मैं एक बेसिक से एग्जांपल लेता हूं वो बेसिक से एग्जांपल क्या है सर सिंपल सोवर रखते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते एसेट के अंदर फिक्स एसेट होता है फिक्स एसेट के अंदर मोबाइल है और वो मोबाइल खरीदा गया है नब्बे हजार रुपए में वो मोबाइल खरीदा गया है नब्बे हजार रुपए में बिजनेस के पास ये पैसा आया कहां से बिजनेस के पास ये पैसा आया कहां से सर मालक ने पचास हजार रुपए धंधे में डाले थे और चालीस हजार रुपए कर्जा लिया था ऐसे मिला के नब्बे हजार आए थे और नब्बे हजार से हमने मोबाइल खरीद लिया हमने नब्बे हजार से मोबाइल खरीद लिया अब अब ये जो कैपिटल है ना ये जो कैपिटल है दिस इज नोन एज योर औकात मैंने आपको क्या कहा था बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट जो क्या बताता है नेटवर्थ ऑक्स या औकात ठीक है कैपिटल मतलब आपकी औकात सर कैपिटल का फॉर्मूला क्या है टोटल एसेट सॉरी ओकात का फॉर्मूला क्या है नेटवर्थ का नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी औकात मतलब टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी टोटल एसेट नब्बे हजार आउटसाइड लाइबिलिटी चालीस हजार तो मेरी औकात कितने की है पचास हजार रुपए की यस और नो यस और नो यस सर मेरी औकात कितने की है मेरी औकात है पचास हजार रुपए की एवरी वन वंस अगेन लिसन वापस सुनेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बैलेंस शीट क्या एक स्टेटमेंट जो क्या बताता है नेटवर्थ ऑक्सी औकात हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था ड्यूल एस्पेक्ट जिसके अंदर हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन आया था एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी अदर देन कैपिटल और प्लस कैपिटल परफेक्ट अब एसेट नब्बे हजार लाइबिलिटी अदर देन कैपिटल प्लस कैपिटल कितना है नब्बे हजार है अब मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो क्या बताता है नेटवर्थ नेटवर्थ का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर मेरी औकात कितनी है सर आपकी औकात सिंपल है टोटल एसेट नब्बे हजार माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी चालीस हजार तो मेरी नेटवर्थ कितनी आ गई पचास हजार इज माई नेटवर्थ अब मेरे को बात बताओ क्या मैं बोल सकता हूं मेरा जो एसेट है मोबाइल आज उसका वैल्यू नाइनटी वन थाउजेंड से घट के कितना हो चुका है एटी वन थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड से घट के कितना हो चुका है एटी वन थाउजेंड और नो तो आप एक्चुअल में मेरे एसेट कितने हैं सर आपके एक्चुअल में एसेट नब्बे नहीं है आपके एक्चुअल में एसेट एटी वन थाउजेंड के हैं एटी वन थाउजेंड में से एटी वन थाउजेंड में से 90 माइनस फोर्टी फिफ्टी सर एटी वन थाउजेंड में से फोर्टी हटा देंगी तो कितना दिख रहा है फोर्टी वन थाउजेंड अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा तो मेरा एसेट का वैल्यू कम होगा नहीं अगर एसेट का वैल्यू कम नहीं होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी जो औकात है वो गलत दिख रही है रियलिटी में मेरी नेटवर्थ है फोर्टी वन थाउजेंड की बट दिख कितनी रही है फिफ्टी थाउजेंड की तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो तो आपका नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिख रही है इसलिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है समझा सबको व्हाई एप्रिसिएशन इज नीडेड व्हाई एप्रिसिएशन इज नीडेड सो सबको समझा होगा मुन्ना क्लियर है यहां तक सबको प्लीज कमेंट विथ येस और नो आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब मालक का पैसा छोड़ के मालक का पैसा छोड़ के बाकी आपने किसी और से पैसा उधार लिया है तो वो हो गई आउटसाइड लाइबिलिटी परफेक्ट अरे आईफोन के जगह आप कुछ भी ले लो बेटा क्योंकि मैंने आईफोन प्रीवियस एग्जांपल में लिया था इसलिए मैंने उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है ओके okay? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ठीक है अरे यार फोटो में लाऊंगा मैं फोटो लेके आऊंगा फॉर्स और चलो लेट्स मूव फर्दर सर बाकी ये दो क्या लिखे हुए हैं ये हम आगे के क्लासेस में देखेंगे हमारे दो ऑब्जेक्टिव क्लियर कट होना चाहिए अब आते हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे बताएंगे कि करंट ईयर में मेरे एसेट का कितना वैल्यू कम हुआ आई रिपीट आखिर कौन सी चीजें हैं जो मेरे को बताएगी कौन सी चीज है जो मेरे को बताएगी कि करंट ईयर में मेरा एसेट का वैल्यू कितना कम हुआ पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड एक्सपेक्टेड ये ना बहुत टेक्निकल लिखा है मैं एक लॉजिकल एग्जांपल देता हूं ये तीनों चीजें उसी में कवर हो जाएगी बेटा उठाना कोई भी फाउंडेशन इतना डीप नहीं है मैं सारी चीजें लिंक कर रहा हूं मैंने वो दो एलिमेंट में आगे बढ़ सकता था बट आई टुक अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स टू एक्सप्लेन दैट दो एलिमेंट वो दो चीज समझाने में पंद्रह बीस मिनट लिए लेकिन आई होप सो वो सदा बार आपको याद रहेंगे जहां मेरे को डीप में जाना है आई विल गो इन टू द डेप्थ चलिए अब मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं मैंने एक मशीन खरीदा है मैंने एक मशीन खरीदा है दस लाख रुपए की कितने खरीदा है दस लाख रुपए की क्लियर मैंने मशीन के जगह पर कार ले लेते हैं अरे यार कार नहीं ड्रीम ठीक है सपोज सपोज कर रहा हूं हां ये फ्यूचर में हकीकत होगी मैंने मौक की एस क्लास ए एम जी एडिशन खरीदा मैंने कौन सा एडिशन खरीदा ए एम जी एडिशन खरीदा क्लियर ओके सर ये ए एमजी एडिशन आपको कितने में पड़ा इतना पैसा जरूर आएगा मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवाए तो ये ए एम जी एडिशन को पांच करोड़ का बना या मिला भगवान तू देख रहे है सब तुम सब लोग अगरबत्ती लगाओगे आज कि मैं जल्दी ही ए एम जी एडिशन खरीदू और इतनी मेरी सैलरी हो जाए कि ए एम जी एडिशन मैं अफोर्ड कर सकू क्लियर आप सबको अगरबत्ती लगानी है ओए सिर्फ अगरबत्ती लगाना और कुछ नहीं क्लियर है समझ लो क्लियर चल पांच करोड़ की मैंने AMG जी एडिशन खरीदा अब तुम मेरे को बात बताओ कि मैंने ये जो AMG जी एडिशन खरीदा है क्लियर ये मैं कितने साल यूज करूंगा मैं सपोज कर रहा हूं यार अब हम पांच साल के ऊपर कार नहीं चलाते लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो आई डोंट ड्राइव एनी कार अब फाइव ईयर्स आई एम बींग ऑनेस्ट विथ यू क्लियर तो मेरे लिए इस S क्लास की expected useful life expected useful life pat sale bro i don't drive it i don't drive car after five years i'm being honest with you let's get and hear it what i'm saying i don't drive after five years, bro. okay. clear. expected useful life, five years. acha. paad sal bad. after end of expected useful life. expected useful life end ke bad. दैट इज मेरे हिसाब से पांच साल बाद पांच साल बाद ये जो एसेट है ये कितने में बिकेगा मैंने क्या लिखा इट मे बी सोल्ड फॉर फॉर वन करोर पांच साल बाद पांच साल बाद देखो मैं आज 2023 में खड़े के प्रिडिक्ट कर रहा हूं क्लियर कि मैंने आज अगर मोर्सीडीज खरीदा तो पांच करोड़ की होंगी खरीदा क्या खरीद लिया ब्रो मैंने बाय कर लिया मैंने आज मोर्सिडीज खरीद लिया पांच करोड़ की मैं कितने साल यूज करूंगा पांच साल यूज करूंगा और पांच साल यूज करने के बाद यह बिकेगी एक करोड़ में मैं आज एस्टीमेट कर रहा हूं कि पांच साल बाद ये कितने में बिकेगी एक करोड़ में तो मेरे को बात बताओ आज मैंने इस एसेट को खरीदा पांच करोड़ में पांच साल बाद ये एक करोड़ में बिकेगी तो मेरा नुकसान कितना हो गया भाई साहब ये कार मैंने खरीदा था तो मेरा नुकसान कितना हो चुका है चार करोड़ का कितना नुकसान हो चुका है चार करोड़ का अब ये चार करोड़ का नुकसान दिस इज अ लॉस फॉर फाइव इयर्स दिस इज द लॉस फॉर फाइव इयर्स एज पर मैचिंग प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम हर साल एक बार हर साल एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो एक साल की इनकम को हमें मैच करना है एक साल के खर्चे से तो एज पर मैचिंग प्रिंसिपल ये पांच साल का नुकसान है तो चार करोड़ को पांच साल से डिवाइड कर देंगे तो हर साल का कितना हो गया अस्सी लाख रुपए अस्सी लाख रुपए इज द डेप्रिसिएशन पर एनम एटी लैख इज द डेप्रीसिएशन पर एनम होप्सो सबको यहां पर क्लैरिटी होगी एटी लैख इज द डेप्रिसिएशन पर एनम ओके चलो अब इधर आ जाओ कितना सिंपल है कॉस्ट ऑफ एसेट पांच करोड़ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मैं इसे पांच साल तक यूज करूंगा और पांच साल बाद आफ्टर फाइव इयर्स ये बिकेगी एक करोड़ में तो क्या मैं बोल सकता हूं यह तीनों को बेसिस लेके मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 80 लैक्स पर एनम हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए क्लियर आर वी क्लियर ठीक है मुन्ना अच्छा ये जो रेसिडल वैल्यू है ना इसका एक और नाम है स्क्रैप वैल्यू इसे एक और नाम दिया जाता है स्क्रैप वैल्यू क्लियर पांच साल बाद इसे रेसिडल बोला जाएगा या स्क्रैप वैल्यू बोला जाएगा ठीक है मुन्ना अच्छा मैं बात बताओ क्या मैं बोल सकता हूं ये एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इंसान टू इंसान डिफर करेगी इंसान टू इंसान डिफर करेगी लाइक like, मैं बोल रहा हूं ब्रो आई वॉन्ट यूज दिस कार आफ्टर फाइव इयर्स ठीक है अब हो सकता है कोई ये बोले कि मैं कार तीन ही साल यूज करूंगा मैं ये कार तीन साल यूज करूंगा कोई इंसान बोल सकता है कि ये जो पांच करोड़ की कार है यह इसका कॉस्ट है और मैं इसे यूज करूंगा देखो मैं यूज करूंगा तीन ही साल एंड आफ्टर थ्री इयर्स ये कार बिकेगी आपकी दो करोड़ में कितने बिकेगी दो करोड़ में तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन पर एनम सर देखिए तीन साल बाद कितना लॉस है ती पांच करोड़ माइनस दो करोड़ तो कितना लॉस है तीन करोड़ का अच्छा जी अब डेप्रीसिएशन पर एनम एज पर मैचिंग प्रिंसिपल तीन करोड़ का लॉस तीन साल का है तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो गया एक करोड़ क्लियर है मुन्ना तो लाइफ लाइफ और रेस्यूडियल वैल्यू चेंज होती रहेंगी बट कॉस्ट तो बेटा पांच करोड़ ही है ठीक है ओके चलो अगरबत्ती लगाए नहीं लगाए तुमने हाँ अगरबत्ती लगाओ यार ऐसा मत करो जब इतने सारे लोग दुआएं करेंगे तब जाके मेरे को मर्सिडीज़ मिलेंगी ना हम्म लेट्स मूव फॉर ओके okay. अब थोड़ा थियोरी पढ़ते हैं अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं अब थोड़ा थियोरी पढ़ते हैं फिक्स एसेट में बात बताओ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जस्ट आपको थोड़ी थियोरी पढ़वानी है ताकि आपको लगे थियोरी भी साथो साथ होते चल रही है क्लियर देखो तुम मेरे लिए अगरबत्ती लगाओगे कि मैं मर्सिडीज बेंच एस क्लास ले लूं जल्दी मैं तो बेटा तुम्हारे लिए अगरबत्ती क्या मैं दुआएं देता हूं तुमको आई विश आई प्रे कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस बैच के अंदर वो सारे के सारे बच्चे सी फाउंडेशन क्लियर हो जाए क्लियर मुन्ना बिकॉज आप क्लियर हो गए सबसे ज्यादा खुशी हम ही को होती है भगवान बच्चे क्लियर हो जाए क्लियर चल फिक्सड एसेट फिक्सड एसेट का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें जो बिजनेस में यूज होती है वो सारी चीजें जो बिजनेस में यूज होती है नाले को तुम अगरबत्ती लगाओ नहीं लगाओ मेरे लिए मैं ये हमेशा प्रे करता हूं क्लियर तुम लगाओ नहीं लगाओ सब बात की बात है क्लियर बट मैं तो भैया प्रे करता हूं ऑनेस्टली फिक्स एसेड आर हेल्प फॉर यूज इन अरे इतना जो लाइन लिखा हुआ है ना हेल्प फॉर यूज और कहां यूज होगी बिजनेस में अब यहां पे जो दिया हुआ है ना उसका मैं एग्जांपल देता हूं सपोज आप मैन्युफैक्चरर हो आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री होती है फैक्ट्री में मशीन्स होती है तो मशीन्स क्या हो गई फिक्स एसेट क्लियर अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं सर्विस सेक्टर पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू इंटू सर्विस पीडब्ल्यू सर्विसेज देता है टीचिंग इज अ सर्विस क्लियर तो सर्विस के लिए ये जो पैनल है पैनल हो गए कैमरा हो गया माइक हो गया ये सब फिक्सड एसेट हो गए अच्छा मेरे को बात बताओ अगर कोई बंदा है अगर आपने देखा होगा टैक्सी टैक्सी रेंट पे चलती है ओला ऊबर की बात नहीं कर रहा हूं ओला उबर की बात नहीं कर रहा हूं अगर आपको नागपुर से नोएडा जाना है या आपको नागपुर से 200 300 किलोमीटर आगे जाना है तो ओला उबर अफोर्डेबल नहीं रहती उतनी हम हायर करते हैं टैक्सी क्लियर तो जो बस सर्विस रहती है बस सर्विस सबको पता है बस सर्विस चलती है ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती है तो जो बस सर्विस चलाता है वो बस रेंट पे देता है हा या ना तो जो आदमी रेंटल का बिजनेस करता है उसके लिए वो बसेस क्या हो गई फिक्स्ड एसेट उसके लिए वो बस क्या हो गई फिक्स्ड एसेट सबको समझा मुन्ना अच्छा किसी का अगर होटल है होटल जहां स्टे कर सकते हैं तो कहना है से मेरा होटल का धंधा है तो जो मेरा होटल है वो मेरे लिए फिक्स एसेट हो गया बिकॉज वो होटल के रूम्स रेंट पे दिए जाते हैं पर नाइट के हिसाब से एक दिन रुकना है दो दिन रुकना है तीन दिन रुकना है ओके तो वो होटल की जो बिल्डिंग है वो मेरे लिए फिक्स एसेट हो गई हो गई ओके सर ठीक है और फिक्स्ड एसेट मतलब क्या वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा ये सो नो हां जी सर वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा डन अगर वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो कहना से वो लॉन्ग टर्म इज अकाउंट्स के हिसाब से बारह महीने या उससे ज्यादा बेनिफिट देगा यह हमें पहले से ही पता है ओके सर यह तो हमको सबको पता है यह सबको पता है वेर एंड टेर एफ्लक्स ऑफ टाइम ऑप्सिलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा सर यह दोनों कब पढ़ाओगे आगे पढ़ेंगे हम जब हम एक मेथड पढ़ेंगे डिप्लीशन मेथड तब हम ये दोनों पॉइंट्स कवर करेंगे फैक्टर्स हमने पढ़ लिया है कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिया है नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है यह आपका कल कवर होगा थोड़ा सा थियरी हम कल कवर करेंगे ठीक है तो आज का सेशन यही पे एंड करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आज का सेशन यही पे एंड करते राजा होप्सो so, आपको डिटेल में समझा होगा वॉट आर वी अप टू ठीक है मुन्ना क्लियर और सुनो एवरीवन जस्ट लिसन ये थियरी मैं नोट्स के अंदर डाल रहा हूं आपका काम है थियोरी एक बार पढ़ के आएंगे कल एवरी आपका काम है जो नोट्स आज अपलोड होंगे वो पूरी की पूरी आप नोट्स पढ़ के आओगे क्योंकि कल थियोरी में मैं चाहता हूं एक बार मैं आपको समझाऊं एक बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा आई एम एक्सपेक्टिंग सब बच्चे पढ़ के आएंगे क्लियर है बेटा ज्यादा पेजेस की थियोरी नहीं है क्लियर मेरा सिर्फ एक्सपेक्टेशन है आप थियोरी पढ़ के आओगे ठीक है राजा चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस सी यू बाय टेक केयर दिस इज सी साइनिंग ऑफ बाय बाय टेक केयर